हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पेपर से फ्रॉक बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमको एक A4 साइज़ पेपर चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करके स्क्वायर चौकोर आकार में क्या करेंगे, कट कर लेंगे और यहाँ से स्क्वायर कर लेंगे ताकि हमारा एकदम सही चौकोर कटे। अब इसके बाद हमको ये पोर्शन से कट करके निकाल देना है। अब इसको ऐसे खोल के इधर इन दोनों सिरों को एकदम सीधा मोड़ देंगे। अब इसके बाद हमको इसे दोनों तरफ से अपने नाव के आकार में, जैसे हम लोग नाव में बनाते हैं वैसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसके बाद अब हमको इसको उल्टा करना है, इधर से भी ऐसे ही फोल्ड करना है सेम, ताकि इसकी लकीरें उसमें अच्छे से उभर के आने लगे। ये देखिए, ये लकीरें दिख रही है ना, ये चारों लकीरें। अब इनको क्या करेंगे, हम इसको अंदर तरफ से मोड़ते हुए इसको फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये इस तरह से, इधर से सेम ऐसे ही, इधर से भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर से, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स से मिलाते हुए ये। अब इस वाले कॉर्नर को भी हम क्या करेंगे, इधर से ऊपर से मोड़ देंगे। सेम ऐसे ही हमको इधर से भी करना है, इसको इस ऊपर वाले पोर्शन से मिला देना है और इसको भी ऊपर वाले पोर्शन से मिला देना है। इसको अच्छे से हम लाइनिंग्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इधर ये जो ऊपर से सीधा था ना, इसी को यहीं से घुमाना है और इसके कॉर्नर ये ट्राइंगल बनाएंगे, मतलब ये त्रिभुज ऐसे बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन था, ये वाला पोर्शन था, इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ठीक। ये इसके, इसको भी इसी कॉर्नर से मिलाते हुए इसमें अच्छे से लाइन करते हुए एक इसका ट्राइंगलर बनेगा, फिर यहाँ पर भी ट्राइंगल बनेगा और ऐसे ही सेम इधर से भी मिलाते हुए इसके पैर से ये एक प्रकार से इसका फ्रॉक का लेग्स रेडी हो गया है। देखिए, इसका इस तरह से चार इसके लेग्स बनने चाहिए और पीछे इसका फ्लैट ऐसे रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे मोड़ देंगे। अब इधर से जस्ट हाफ ऊपर मोड़ते हुए ये जो है आपका, इसको ऊपर मोड़ेंगे और ये त्रिभुज ऐसे सीधा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम फोल्ड करके अंदर लाएंगे हाफ, ये भी त्रिभुज बनेगा आपका, ठीक है ऐसे। और सेम इधर से भी इसको ऐसे मोड़ देंगे, ये हमारा पहले से ही मुड़ा हुआ है इधर में, ये हमारा अभी इतना रेडी हो गया। ये हम इधर इसको ऐसे मोड़ा था और इधर मोड़ा था, ये इस त्रिभुज बनना चाहिए। तो इसका कहने मैंने क्या किया था, पहले ये मोड़ा था त्रिभुज, फिर इसके साइड वाले पार्श पोर्शंस मोड़े थे, एक ये इधर कोने के और फिर इस कॉर्नर के मोड़े थे मैंने। तो ये त्रिभुज ये ऐसे, ये इसका फ्रंट का पूरा रेडी हो गया। अब इसको समझ में आ गया ना, इधर से और दोनों इसको मोड़ा मैंने। अब इसको मैं पीछे मोड़ूंगी, ये जो बीच का हाफ दिख रहा है आपको, इसको हाफ को मोड़ना है ऐसे, जस्ट हाफ करना है। हाफ है, इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऐसे मोड़ देंगे, मतलब फ्रंट से जो बैक था इसको ऐसे बस इस पर चढ़ा देंगे। करने के बाद हमारा फ्रॉक रेडी है। देखिए, ये फ्रॉक हमारा लगभग रेडी है। इस मतलब हमने क्या किया था, ये पहले फ्रंट है इसका, आगे का पोर्शन इसको हमने पीछे वाले से पहले जस्ट हाफ किया था और उसके बाद में ये जो पोर्शन लाइन है इसका जस्ट हाफ करते हुए ये पोर्शन इसके ऊपर आ गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा फ्रॉक रेडी है, इसमें हम इसकी थोड़ी सी आँखें बना देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे ये। और थोड़े से इसके बॉडी में स्केचिंग कर देंगे ब्राउन ग्रीन से, जो जैसे मेढक के शरीर में थोड़े चित्ते चित्ते पड़े रहते हैं, ताकि हमारा मेढक और अच्छा लगने लगे देखने में। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे करेंगे, पुश करेंगे तो ये उछलेगा।